हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल, की हाल चाल ने। अज आपां अनबॉक्सिंग करनी आ इह स्लीपिंग बैग की, जिहड़ा कि हैगा है डीकैथलॉन फॉरक्लैस कंपनी का। तो यह स्लीपिंग बैग जिहड़ा छोटा जिहा स्लीपिंग बैग है, ज़्यादा वेट भी नहीं हैगा। इहदी अनबॉक्सिंग करके अज तुहानूं दिखाउणी आ, आ जाओ फिर देखदे आ। मेरा नाम है रणजीत सिंह, तो तुसी देख रहे हो रणजीत सिखों ब्लॉग्स। दोस्तों अज आपां दिखाउण जा रहे हैं थोनू डीकैथलॉन का स्लीपिंग बैग, जिहड़ा कि हुणे हुणे आपां ने अगले टूर के लिए खरीदया है। तो यह जिहड़ा स्लीपिंग बैग है बहुत छोटा जिहा स्लीपिंग बैग आ। थोनू पता कि जदों भी आपां ट्रैवलिंग करनी आ, कितें जाणा है बाहर, तो सब तो बड़ी दिक्कत आउंदी आ आपां नूं सौण वेले कंबल वगैरह जो भी आपां समान नाल लैके जाणा है, क्योंकि उहदे नाल बैग बहुत अपना हैवी हो जांदा है। ये करके जो आप स्लीपिंग बैग भी खरीदते हैं तो स्लीपिंग बैग भी बहुत भारी आते हैं, जेडे कि फिर चकने बड़े औखे होंगे ने। तो आपने ये लभ्या एक स्लीपिंग बैग जो डीकैथलॉन तो, यह जो स्लीपिंग बैग आ यह 15 डिग्री तक काम करता, मतलब आम जो अपने टैंपरेचर आम आपने घूमना फिरना है तो वो वास्ते बहुत वधिया है। हाँ, बर्फ वगैरह के जाना माइनस के थोड़ी दिक्कत है, पर आम बहुत वधिया है, क्योंकि साइज देखो तुम, साइज एक गिठ के बराबर साइज आ, बहुत ही सोहना साइज है। तो जो वेट है 680 ग्राम वेट आ, 680 ग्राम वेट आ, आराम आप कैरी कर सकते हैं, बैग के पा सकते हैं। 5 साल की यदि जो स्लीपिंग बैग है गरंटी है। तो यदि जी हाइट आ 6 फुट 1 इंच यदि जी टोटल आ जी लेंथ आ, ये आराम बंदा पै सकता है। तो स्लीपिंग बैग भी बहुत सोहना है, कपड़ा भी वधिया, डीकैथलॉन तो खरीदया है। तो ये आपको जो मिले है प्राइस तुम वह भी दसा आप, फॉरक्लैस कंपनी है। तो आ जाओ फिर खोल के आप देखते हैं किवें यह स्लीपिंग बैग। लूज कर लीए पहले थोड़ा जहा, आम स्लीपिंग बैग जो आप देखते हैं बाहरों मिलते, जिदा दिल्ली तो मिलते हैं याद मार्केट या वैसे आर्मी वाले कहते हैं आप, उन्होंने वेट बहुत ज्यादा होंगे जी, वेट बहुत होंगे। पर वेट देखो बिल्कुल 700 ग्राम वेट आ, हल्का है, वो करके की आ कैरी करना बड़ा सौखा है, क्योंकि आम तौर पर आप जो ट्रैवल करना पर होंगे कि वेट घट तो घट हो, कैरी करना सौखा हो। कवर ये छोटा जहा, तो यह आ गया अपना स्लीपिंग बैग। हाँ देखो एक टेबल आ, टेबल नालों किड्डा वड्डा हो चुकिया है, ये सारा अपना स्लीपिंग बैग आ। हाँ देखो ये पूरा 6 फुट 1 इंच का स्लीपिंग बैग आ, तो यदि क्वालिटी भी थोड़ा दिखाने आप, स्लीपिंग बैग तो बाहरला पासा, तो यह अंदरला पासा आ, जिप्पां लगियां ने, जिप खोल के आप आराम नाल इहदे विच बढ़ के सौ सकते हैं। साइज बहुत सोहना साइज आ, कंफर्टेबली आप इहदे विच पै सकते हैं। तो सारा वाटरप्रूफ कपड़ा है, बाहरों अंदरों यह वाटरप्रूफ आ। जिहड़े आप बाहरों खरीदते हैं आम दुकानों तो स्लीपिंग बैग, उन्होंने की होंगे कि अंदर कपड़ा लग्या होंदा, तो जिहदा कि गिले होने का भी खतरा होंदा। पर दोनों पास्यों लैमीनेटड आ, इहदे विच पानी नहीं जा सकता, किसी तरह की खराब होने की इहनूं पानी नाल जां फिर गंदे होने की चांसिस बहुत घट ने। आ देखो सारा, बाकी खोल के तुहानूं पैके भी इहदे च दिखाउंदे आ आपां किवें इह लगदा है। देखो इन पूरा आप बंद करके जो पैना है इदा पै सकते हैं, ठीक है। तो उपरों ये टाइट करने वास्ते भी हों, जो आप टाइट करना इनू मतलब सिर के उपरों आप टाइट करना, तो यू आप बिच पै के इनू टाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्लीपिंग बैग अपना, ये हुण मैं स्लीपिंग बैग नूं अपने नॉर्मल बैड पर पाया है। तो आह देखो तुसीं इहदा साइज़ इहदे तों अंदाजा ला सकते हो,
आ थले तो शुरू करके बैठ दे उपर तक, आ हजे गर्दन वाला जो एरिया ये मेरा फोल्ड किया हुआ है, मतलब ये जो साइज आ वो बहुत बढ़िया है, कोई साइज पक्षों कोई दिक्कत नहीं आऊगी। आराम नाल आपां इहदे विच 6 फुट तक का बंदा आराम नाल इहदे विच पै सकता है, कोई दिक्कत वाली गल नहीं है। तो यह चौड़ाई है जिहड़ी, इहदी चौड़ाई भी स्लीपिंग बैग की बहुत है। आ देखो तकरीबन एक बैड ते पूरी चौड़ाई इहदी स्लीपिंग बैग की आई हुई है, तो थले वाले पैर वाले पासे तो थोड़ा यह तंग हो जाता है, तो उपर नूं है बाहां वाले पासे सिर वाले पासे पूरा खुला है, किसी तरह की मैनू नहीं लगता कि ये कोई दिक्कत आऊगी। बाकी आप टूर तो वरतेंगे हूँ, तो उस तो बाद थोनू वरत के बाद दे विच भी रिव्यू देवे कि किमें आ कंफर्टेबल आ या किमें आ। देख वास्ते कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही किसी तरह की, स्टाफ आ जिहड़ा बहुत वधिया है सारा ही, तो साइज भी पूरा स्टैंडर्ड साइज आ, वधिया साइज आ, लंबा भी बहुत आ स्लीपिंग बैग तो चौड़ा भी बहुत आ, तो कपड़ा बहुत वधिया है, चिपर पूरे खुलते हैं। आ देख लो पूरे एक बैड के उपर यह विछिया हुआ है। ये सारी डिटेल यदि लिखी हुई है, डीकैथलॉन फोरकलैज का नाम आ, तो ट्रैक 500 इहदा मॉडल नंबर है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक यह आराम नाल आपां नूं कंफर्टेबली कवर करूगा। 5 साल की यदि हैगी है वारंटी, 680 ग्राम यदा वेट है, तो अगे यदा साइज लिखे 15 डिग्री, 10 तो लैके 15 डिग्री, मतलब 10 तो 15 तक थोनों वधिया है कवर है जरा एक स्लीपिंग बैग कर सकता है। हाँ जी, स्लीपिंग बैग आपने बछा लिया, जिप लई वाली खोल, तो हूँ आप पैकेज आके पता लग जाए, आप पूरा चेक करना कि सही तरीके पै भी सकते हैं कि नहीं। आ देखो जिप्पा ने, आ जिप है जी, ये आप कर लेनी है बंद, जैकेट वगैरह वधिया आप पा के ये इदा पूरी जिप बंद कर लेनी, इस तरीके बाह अंदर चले जानी ने अपनी, आह आप पै सकते हैं। देखो पूरा कवर हो रहा है, स्लीपिंग बैग है जरा पूरी तरीके कवर कर रहे हैं, तो कैब भी दी है जिद के आप कवर कर सकते हैं अपने आपू, पग बन जा हूँ कैब थोड़ी जी लैन की दिक्कत आ, कैब लैके आप आराम ये पै सकते हैं, खुला डुला है कोई दिक्कत नहीं है। आ देखो आराम आप पै सकते हैं, उम्मीद है थोड़ा अंदाजा हो गया होगा यदी कि लंबाई आ कि चौड़ाई आ सारी का, ठीक है पता लग गया होगा। तो फिर बाकी थोनों आप दसते हाँ अगे, आ जिप्पा ने जिन्हों खोल के आप देखो आराम बाहर तो निकल जाना है। हाँ जी दोस्तों, पैके थोनों आप दिखाता, तो स्टफ वगैरह बहुत वधिया है, तो खोल लेना आपने बड़े सौखे तरीके बिचों कढ़ना पैकेट के, तो फिर इनू कट्ठा करना भी उन्ना ही सौखा है, बस तय मार के उस छोटे जे पाउच के पैना है, तो कट्ठा करने वेले सब तो पहली गल आ कि अपने जिप्पा बंद करना है ध्यान नाल, ताकि कपड़ा वगैरह बिच ना आए फटे ना, जिप बंद कर ली, इनू सीधा बिछा लेना है, बिछा लिया, बिछाने तो बाद यही आपने तय करनी है अंदर नूं जिन्ना क अपना पाउच आ, पाउच दे अकॉर्डिंग यदि जी तय आपने वो मार लेनी है, ताकि वो बच्चे पूरे तरीके फिट आ जाए। ठीक है, इधर नूं तय मार ली, तो उस तो बाद इनू दुए पास्यों फोल्ड कर देना है, क्योंकि जो छोटे साइज होगा ये ता ही फिर वो फिट आऊगा पाउच दे, वड्डा रह गया तो फिर इन्हें पाउच के फिट आ जरा वो नहीं आना।
जिदा सारा ये अपने जो पाउच के साइज का कर लेना है। जिदा को पाउच अपना देखो ये पाउच एडा बड़ा तो पाउच के साइज का कर लेना जिदे पैना है। हूँ ये सारा पाउच के साइज करके इनू रोल कर लेना अपने इकट्ठा कर लेना। पूरा पाउच के साइज आप रोल कर लेना। ये वैसे दिता नहीं हुई कोई रस्सी वगैरह पर मैं कहना भी यहाँ थोड़ी जी एक रस्सी रखो जिद कि टाइट करके बन लो तो फिर पाउच के पाना सौखा रहेगा। इन्होंने दिती नहीं हुई रस्सी इस करके आप सीधा ये पा रहे जो आप पाउच मिले बड़ा फ्लफी जिस करके आराम पै जाता कोई दिक्कत नहीं है पाने वाली ठीक है। ये अपना पाउच के पै गया तो इतों फिर इन्हें टाइट तो अपनी पोटली फिर ये छोटी जी तैयार है तो उस तो बाद आप कर देना कवर बंद करके लो आ लग गया उत्ते ढक्कन ठीक है। इन्हों कर देना आप टाइट रस्सियां ते अपना जोड़ा है पैक हो गया। छोटी जी पैकिंग अपनी एक गिट का स्लिपिंग बैग सिर्फ 700 ग्राम का ते कीमत यदि थोड़ा दसी नहीं सी कीमत यदि हैगी है सिर्फ 2500 रुपए। डीकैथलॉन तो तुम खरीद सकते हो 2500 रुपए के 15 डिग्री का स्लिपिंग बैग है सिर्फ 700 ग्राम का बहुत ही वधिया स्लिपिंग बैग है। मैं उम्मीद आ कि वधिया आपां नूं ठंड तों इह बचाऊगा बाकी वरत के तुहानूं फिर दसांगे इहदे रिव्यू आप। हाँ जी दोस्तों एक क्विक जी अनबॉक्सिंग सीगी अपने डीकैथलॉन दे फोरकलैस 15 डिग्री सेंटीग्रेड स्लीपिंग बैग की देखण नूं क्वालिटी वाइज बहुत वधिया है जिहड़ा वेट आ बहुत घट आ साइज़ बहुत वधिया है सारे पक्षां तों बड़ा वधिया स्लीपिंग बैग लग रहा है कैरी करना बड़ा सौखा है। बाकी हुण आपां ट्रिप ते कितें जा रहे हां जे तू चैनल सबसक्राइब नहीं करे तो कर लियो क्योंकि बहुत ही तुहानू डिफरेंट ट्रिप जल्दी आप दिखाने जा रहे हैं नज़ारे आउणगे सबसक्राइब हुणे कर लो तो इहनू भी वरतांगे जिवें भी इहदा रहूगा रिव्यू चंगा रहू माड़ा रहू वह भी तुहानू फिर आप दसांगे ठीक है। फिर आ जाओ मिलते हैं जल्दी आप ट्रिप ते जिउंदे वसदे रहो।